आज के इस वीडियो में हम वर्क के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं किसी ब्लॉक के ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ये फोर्स ऐसा है जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो फोर्स है ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ इस तरह से किसी थीटा एंगल पे अप्लाई हो रहा है। तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि इस फोर्स के एप्लीकेशन से इस बॉडी पर क्या होगा। इस फोर्स को अप्लाई करते ही ये बॉडी किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हो जाएगी। मान लेते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ आर, ये है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक। देखिए इस बॉडी को ए से बी तक कौन लेकर के आया, ये सारा का सारा फोर्स एफ इस बॉडी को ए से बी तक डिस्प्लेस नहीं कर रहा, बल्कि इस फोर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है यानी कि एफ कॉस थीटा, ये बॉडी को पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहा है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट और भी है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, ये कंपोनेंट इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करने में कुछ सहयोग नहीं कर रहा, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। यहां पर फोर्स का सिर्फ ये जो कॉम्पोनेंट है एफ कॉस थीटा, यही बॉडी को ए से बी तक डिस्प्लेस करता है। आइए देखते कि वर्क होता क्या है। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में हम वर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है कि वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 10th क्लास तक हमने वेक्टर्स वगैरह के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था। ओके देखिए जब हमने वेक्टर्स पढ़े तो वेक्टर्स के बाद हमने वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, और हमने दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, एक था क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा था डॉट प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स का करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर मिलती है, लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का तो हमें मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर होता है। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जो वर्क है, देखिए वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी तरह से अब वर्क डिपेंड तो करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पर। अब फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि हमें जो रिजल्ट मिले वो स्केलर मिले। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमें कैसा रिजल्ट मिलता है, स्केलर। इसलिए हमने वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया है। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है, ये होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है कि थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि w इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर, तो भी ये इस चीज से कुछ अलग नहीं होगा, ये दोनों चीजें सेम है, बस मैंने टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज किया हुआ है। अब अगर आप यहां देखें एफ कॉस थीटा, तो ये एक्चुअल में फोर्स एफ का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट है, और इस तरह से आर ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क होता क्या है, वर्क होता है फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हमने वर्क को डिफाइन किया है। आइए अब बात करते हैं फोर्स की यूनिट की। देखिए यूनिट जो है वर्क की वो है जूल। ओके तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 जूल वर्क कितना होता है, तो आप ये कहना कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो उस बॉडी पर किया गया वर्क 1 जूल के इक्वल होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए जाएं तो हम उनसे वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे,
मान लीजिए फोर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया गया है, जैसे इस तरह से एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसी तरह से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया गया है आर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जी कैप प्लस डेल्टा जेड की कैप। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है वर्क। तो अभी अभी हमने देखा है वर्क जो होता है वो होता है फोर्स डॉट आर, एफ डॉट आर। देखिए जब आपको इस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए जाएं तो हमें पता है कि हम इनका डॉट कैसे करते हैं। I वाले कंपोनेंट को हम I वाले कंपोनेंट से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई प्लस एफ जेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जेड। आइए अब बात करते हैं कि फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन पे वर्क डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं डिपेंडेंस की। पहली चीज जिस पे वर्क डिपेंड करता है वो है फोर्स। देखिए ये तो फॉर्मूले में ही है कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम किसी फोर्स के कारण वर्क निकाल रहे हैं तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे तो वर्क डिपेंड करेगा ही। दूसरी जो चीज है वो है डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस फोर्स के कारण बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई इस पे भी वर्क डिपेंड करता है। और तीसरी जो चीज है वो है एंगल। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये एंगल भी डिसाइड करता है कि वर्क अगर किसी बॉडी पे किया जा रहा है तो वो कितना होगा, क्योंकि फोर्स सारा का सारा फोर्स वर्क करने में यूटिलाइज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट वर्क करता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, इसलिए एंगल भी यहां मैटर करता है। अब देखिए ये जो तीन चीजें हैं अपना जो वर्क है वो सिर्फ इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज जो है वो है ये डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्योंकि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से देखने पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नजर आता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। आइए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में हैं, ये बड़ी सी गाड़ी, यहां पे इसके अंदर यहां पे कोई ब्लॉक पड़ा है और कोई पर्सन इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस गाड़ी के रेफरेंस फ्रेम से देखें तो जब ये पर्सन इसे पुश करेगा तो मान लेते हैं कि पुश करने से ये ब्लॉक यहां कहीं जाकर के रुक गया, तो इस बंदे ने ये डिस्प्लेसमेंट किया इस ब्लॉक में एक्स, और इसने फोर्स मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में लगाया। तो ये अपने रेफरेंस फ्रेम से यानी कि इस गाड़ी से इस ब्लॉक्स को इस बॉक्स को जब देखेगा तो उसे ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नजर आएगा, तो ये कहेगा कि इसने जो वर्क किया है वो होगा इसने जो फोर्स लगाया वो मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। अब अगर इस गाड़ी को कोई बाहर से देख रहा हो, मान लीजिए गाड़ी मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी से बी से, अब यहाँ खड़ा यहाँ सड़क पे खड़ा यहाँ कहीं रास्ते पे खड़ा कोई व्यक्ति जो चल नहीं रहा, ये पर्सन मान लीजिए कहीं पे भी ग्राउंड पे खड़ा है, तो जब ये इस मूव होती हुई गाड़ी को देखेगा तो ये जब गाड़ी इसके सामने से गुजरेगी तो
तो इस पर्सन को इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उतना महसूस नहीं होगा, उतना अपीयर नहीं होगा जितना इस पर्सन को हो रहा था। ये जो ग्राउंड पे खड़ा जो पर्सन है, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। इन दोनों से देखने पर, पी से देखने पर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कुछ और नजर आएगा, बल्कि पी जब इसे देखेगा तो ये गाड़ी काफी आगे तक जा चुकी होगी यहां कहीं, तो इसे इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलग नजर आएगा, एक्स डैश बोल देते हैं उसे। और अगर ये क्यू पर्सन ये गाड़ी में खड़ा होकर के इस जब ब्लॉक को देखता है तो इसे इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और नजर आता है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि चौथी चीज जिस पे हमारा वर्क डिपेंड करता है वो है रेफरेंस फ्रेम। आइए अब बातें करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे वर्क डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली चीज ये है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और जो दूसरी चीज है वो है अदर फोर्सेस और एक्टिंग ऑन द बॉडी। आइए सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखिए किसी बॉडी की वेलोसिटी ये डिसाइड नहीं करती कि उस पे जो वर्क हो रहा है वो कितना होगा। इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको आइए एक एग्जांपल देता हूं। आइए समझते हैं कि वेलोसिटी जो है जो वो हमारा जो वर्क है वो वेलोसिटी पे डिपेंड क्यों नहीं करता। देखिए हमने जो वर्क का फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, वर्क है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, dw अपॉन dt इज इक्वल टू f डॉट r, इस पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए मैंने इस आर्टिकल में फोर्स जो अज्यूम कर रखा है वो अज्यूम किया है कॉन्स्टेंट, मैं यहाँ कॉन्स्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये तो डिपेंड करता नहीं है टाइम पर। इसे मैं डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर अगर निकाल दू तो मुझे क्या मिलता है, डी आर अपॉन डी टी। देखिए आर जो था वो बॉडी का पोजीशन वेक्टर था और हम इस पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो किसी बॉडी के पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसकी वेलोसिटी होती है। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या बनी, बॉडी की वेलोसिटी v। और यहां देखिए dw अपॉन dt रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, इसे हम पावर कहते हैं। सो पावर हमें कितनी मिली, p इक्वल्स टू f डॉट v। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जबकि वर्क ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना कि वेलोसिटी पर। ओके आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वर्क जो है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ पावर, पावर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अब तक हमने देखा कि जो वर्क है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता जबकि पावर डिपेंड करती है। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन जो है, देखिए एक्सेलरेशन पर भी आपकी जो वर्क है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप जो वो इक्वेशन मैंने अभी बनाई थी पावर वाली उसे अगर आप अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा। लेकिन वहां पर भी हम साफ साफ देख सकते हैं कि कहीं पे भी वर्क जो है उसकी डिपेंडेंस एक्सेलरेशन पे शो नहीं होगी। सो लास्ट थिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है दूसरे फोर्सेस। देखिए अगर आप किसी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से वर्क निकाल रहे हैं तो उस फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ वो तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है,
लेकिन उस बॉडी पे जो दूसरे फोर्सेस लग रहे हैं वो ये डिसाइड नहीं करते कि किसी फोर्स एफ वन ने या एफ डैश ने कितना वर्क किया। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई ब्लॉक है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया जा रहा है, तो इस फोर्स के इफेक्ट में ये बॉडी डिस्प्लेस होगी। तो जब मैं इस फोर्स एफ का वर्क निकालूंगा तो इसके कारण, इसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं वो कैलकुलेट करूंगा, वो देखूंगा, उसी से मैं डिसाइड करूंगा कि फोर्स एफ ने कितना वर्क किया है। लेकिन इसी दौरान जब ये बॉडी इस तरह से मूव करेगी तो यहां पर एक अपोजिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स भी तो वर्क कर रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये फोर्स डिसाइड नहीं करता कि कैपिटल एफ ने कितना वर्क किया है। लेकिन हाँ, अगर मैं सिर्फ ये पता करना चाहूं कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया है, तब मैं सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की ही बात करूंगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं कैपिटल एफ के कारण वर्क निकालूं तो उस वर्क को मैं नाम दे देता हूं W1। तो W1 किसके इक्वल होगा, फोर्स मान लेते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हुआ आर। और आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो। तो कॉस जीरो, क्योंकि वर्क एफ और आर का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो मुझे क्या मिला, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। इसी तरह से अगर मैं डब्ल्यू वन निकालू सॉरी डब्ल्यू टू निकालू, यहां डब्ल्यू टू में फ्रिक्शनल फोर्स ने जो वर्क किया उसे नाम दे रहा हूं। अब अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया है उसकी बात कर रहा हूं, तब मैं सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। ओके, तो मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ और डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट यही लिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये डिस्प्लेसमेंट आर हुआ तब तक ये फोर्स लगातार एक्ट कर रहा था। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि सॉरी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, cos 180, बट cos 180 की वैल्यू होती है माइनस 1, तो मुझे मिला W2 equals to minus FR। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर मैं F फोर्स से जो वर्क हुआ वो निकाल रहा हूं, तब मैं सिर्फ इसी फोर्स की बात करूंगा, मैं दूसरे फोर्सेस की बात नहीं करूंगा। इसी तरह से जब मैं सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क निकाल रहा हूं, तब मैं सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, उसके लिए ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, मैं इसकी बात तब नहीं करूंगा। इसलिए किसी बॉडी पर कितना वर्क हो रहा है ये सिर्फ उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है जिस फोर्स से हम वर्क निकाल रहे हैं। दूसरे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है इस बात पर हमारा वर्क डिपेंड नहीं करता। तो यही सब बातें थी वर्क के बारे में।